हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा कि मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। जैसे यूट्यूब से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। गूगल एडसेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको प्लेलिस्ट की दो ऐसी सेटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा जिसको करने के बाद आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगे, वो बढ़ने लगेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप ये अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप वर्जन ओपन करना होगा और उसके बाद आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आपको भी अपने सिस्टम में इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले टाइप करना है youtube.com और एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट से इसमें साइन इन कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल में। उसके बाद आपको ये टॉप राइट कॉर्नर में आना है और यहाँ पे आपको योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल के अंदर जाना है। कस्टमाइज चैनल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, इस तरीके के। तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं अपने चैनल पे। तो मैं आपको सबसे पहले नई प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं वो बना के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरी ये प्लेलिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वीडियोस मैंने इसके अंदर डाल रखी हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सारी वीडियोस हैं। ठीक है, वापस वहीं पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये आपको राइट कॉर्नर में न्यू प्लेलिस्ट का एक ऑप्शंस दिख रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट का कोई भी टाइटल रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ पेटीएम रिलेटेड टॉपिक्स। और इसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन है, आप इसे पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट या अनलिस्टेड, तो इसे हमेशा पब्लिक रखना है आपको। और इसे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये बन गई है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे खुल चुकी है। अभी इसमें कोई भी वीडियोज़ नहीं है तो मैं आपको वीडियो एडिट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, इसमें एडिट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी इसके बारे में, जो जो वीडियोस आप इसमें डालेंगे उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको पेटीएम से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिखाया हुआ है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इसे यहाँ पे ये सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इसमें आप। यहाँ पे ये एरो का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, जहाँ पे आपका दिल करे। उसके बाद इसे कैंसिल कर देना है। यहाँ से आप इस टाइटल में एडिट टाइटल करके यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड वीडियोस पे क्लिक करना है आपको। तो इसके बाद आप यहाँ पे कोई यूआरएल डाल के सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियो सर्च भी कर सकते हैं, या इस तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यूअर यूट्यूब वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपके चैनल की सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो मैं जैसे यहाँ पे आपको एक वीडियो ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको ये वाली वीडियो ऐड करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये वाली वीडियो इसके अंदर ऐड हो गई है। इस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर।
किसी भी वीडियो को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसे वापस रिमूव करना है तो आप यहाँ से जाके इसे यहाँ से रिमूव फ्रॉम पेटीएम रिलेटेड टॉपिक्स इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको इसके बाद कौन सी दो सेटिंग करनी है जिसके करने से आपके व्यूज़ इंक्रीज होंगे। तो मैंने वो प्लेलिस्ट यहाँ से हटा दी है क्योंकि वो मैंने आपको सिखाने के लिए बना के दिखाई थी आपको। उसके बाद अब जो दो सेटिंग्स मैं बताने जा रहा हूँ उसे ज़रूर ध्यान से सीखें, ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली जो सेटिंग करनी है वो यहाँ पे हमें एक नई प्लेलिस्ट बनानी है जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमें न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाम लिखना है रिसेंटली रिसेंटली अपलोडेड अपलोडेड टॉपिक्स या वीडियोस लिख सकते हैं, रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस, रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस। उसके बाद विजिबिलिटी इसकी पब्लिक ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपको इसे ओपन करना है इसके ऊपर क्लिक करके। अब यहाँ से आपको इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आपकी रिसेंटली वीडियोस हैं उसकी शुरू की 10 वीडियो आपको इसके अंदर डालनी है। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ऐड वीडियोस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे योर यूट्यूब वीडियोस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से 10 वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको 10 वीडियोस अपनी, ये वो वीडियोस हैं जो आपने अभी रिसेंटली डाली हैं, आपकी नई वीडियोस ही दिखाते हैं ये शुरू में, ठीक है। यहाँ पे ये 10 वीडियो सेलेक्ट करके ये ऐड वीडियोस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं वो सारी वीडियोस आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं 10 की 10, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे ऐड कर देना है 10 वीडियोस को। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, पहली सेटिंग है। तो इनको अब आपको अपडेट करते रहना है जैसे जैसे आप नई वीडियोस डालेंगे। अगर आप हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालते हैं तो कोई एक पार्टिकुलर संडे या मंडे आप चूज़ कर लें कि उस पार्टिकुलर डे पे आपको अपने इस प्लेलिस्ट की सेटिंग को चेंज करना है। वो न्यू वीडियोस डालनी है आपको इसके अंदर जो आप अपलोड करते हैं, तो 10 वीडियोस डालते रहना है आपको। और जो पुरानी वीडियोस हैं उनको यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव कर देना है इसमें से। तो आपको लेटेस्ट 10 वीडियोस इसके अंदर रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी सेटिंग के बारे में। हमें वापस प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक सेटिंग करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाली इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे इस 3 डॉट्स पे क्लिक किया। उसके बाद प्लेलिस्ट सेटिंग्स में गए। यहाँ पे आपको अपनी सारी प्लेलिस्ट जितनी भी आपने क्रिएट की है उसको ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है सेट एज ऑफिशियल सीरीज फॉर दिस प्लेलिस्ट, ये ऑप्शन आपको टिक करना है। यहाँ से इसे अनेबल करना है और डन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको अपनी सारी प्लेलिस्ट को इसी तरीके से ऑफिशियली कर लेना है। अब अपनी दूसरी प्लेलिस्ट इस पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट सेटिंग्स में जाना है और फिर से इसे ऑफिशियल सीरीज फॉर दिस प्लेलिस्ट कर देना है और डन कर देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें जो आपकी वीडियोस हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी में सिंगल ही होनी चाहिए। जैसे आप सेम वीडियोस को 2 प्लेलिस्ट में ना डालें, ठीक है। अगर 2 प्लेलिस्ट में है तो उसे हटा के सिंगल सिंगल प्लेलिस्ट में ही कर लें, तभी ये ऑफिशियली सेट हो पाएगा, आपका प्लेलिस्ट सेटिंग ये हो पाएगी। तो ये 2 सेटिंग है मेनली इसमें। सबसे पहले तो आपको रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस हैं एक वो, और दूसरी ये वाली सेटिंग करनी है आपको, सबको सेट एज ऑफिशियली सीरीज के रूप में सेट करना है।
तो इन दो सेटिंग्स को करने के बाद आपके चैनल पे आपकी वीडियोस पे व्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, आपकी वीडियो रैंक भी करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये सेटिंग करते ही आपके व्यूज़ तुरंत बढ़ जाएंगे, उसमें कुछ टाइम लगता है, धीरे धीरे ही आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।